ये एक मिनट ऐसे रहना भैया, एक मिनट गुरुजी, एक मिनट गुरुजी इधर आ। भैया क्या क्या परंपरा है और किस तरह से यहाँ चलो? देखिए जो हमारा जितना भी सामान होता है, जो हमारा साजबाज ओदे इलाहाबाद में होते हैं, अभी इलाहाबाद से हमारे दो ट्रक सामान आया हुआ है और यही हमारे जो ओदा कहते हैं उसको, सिंहासन जो है इसी पे हमारे जो महामंडलेश्वर, इसी पे बैठ के पूरी पेशवाई में निकलते हैं। और जब ये यहाँ सब कार्यक्रम क्या चालू होगा, किस तरह से आज हमारा जो है यहाँ से 3 मार्च को पेशवाई शुरू हो जाएगी। उधर लगती है और छड़ी वाले एक महात्मा यहाँ के साथ रहता है। गुरुजी आचार्य महामंडलेश्वर इस पे विराजमान हो? आचार्य महामंडलेश्वर एवं जितने भी हमारे महामंडलेश्वर है सभी इसमें विराजमान हैं। हर मंडलेश्वर को एक सिंहासन होता है सब। अभी गुरुजी सो सामान आया है कहाँ से? ये प्रयागराज सामान आया हमारा, जो भी हटाते से प्रयागराज में है, जितना भी हमारा मेले का सामान होता है वो प्रयागराज में ही रहता है। और जब यहाँ मेला समाप्त हो जाएगा तब हमारा पूरा सामान इलाहाबाद में चला जाएगा। अब गुरुजी इसको मेले को लेकर तैयारी क्या चल रही है संगीन में? हाँ जी, यहाँ तैयारी किस तरह की चल रही है? तैयारी यही चल रही है, अभी हमारा प्रयागराज से सामान आया है, हमारी छावनी लग रही है, हमारा सब अभी एक दो दिन में हमारे जो रमता पंच है वो आने वाला है, उसके बाद जो 3 को हमारे यहाँ से पेशवाई जो है हरिद्वार में चली जाएगी। होता है इसका महत्व तो क्या होता है इस पे? देखिए जो हमारे जो परंपरा है, जो मंडलेश्वर हमारे होते हैं वो एक राजा जैसे होते हैं, जैसे राजशाही जो पेशवाई जो हमारी जो है वो हमारा वही वैभव हमारा होता है। तो जो मंडलेश्वर हमारे होते हैं वो हमारे अधिकारी होते हैं, उनको हम राजा की तरह जो है अखाड़े में लेके जाते हैं, सिंहासन पे बिठा करके लेके जाते हैं। साइज है ये हाथी पे लगाया जाता है, इसको हाथी के ऊपर बिठाया जाएगा, जो भी बैठेगा वो हाथी पे इसको रखे इसके ऊपर बैठे, हाथी के लिए हाथी पे ये हाथी को उधर रखा जाएगा। गुरुजी इस औहदे का महत्व क्या है इस बारे में? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि जो हमारे यहाँ जो महामंडलेश्वर जो होते हैं वो आचार्य जो महामंडलेश्वर है उनको हम बहुत एक जो आचार्य को हम भगवान के रूप में मानते हैं, तो उनको हम बहुत इज्जत के साथ अखाड़े में लेके जाते हैं, तो उसी के लिए ये औहदे होते हैं। हमारी चांदी की छड़ियाँ हैं जो हमारे जैसे पुलिस में सबके साथ सबके पास हथियार होते हैं, साथ साथ चांदी के हथियार होते हैं, ये चांदी की छड़ी है, जो हमारे फुटबॉल होते हैं वो ये चांदी की छड़ी ऐसे, और जो मंडलेश्वर होते हैं उनके साथ एक ही फुटबॉल दिया जाता है जो छड़ी ऐसे। ये चांदी की छड़ी है, ये सब छड़ियाँ जो है चांदी की छड़ियाँ। पहले जो सिंहासन है उसमें भगवान कार्तिकेय जी की जो प्रतिमा होती है उसमें प्रतिष्ठित की जाती है और वो जुलूस में निकलती है। जो सिंहासन है, सिंहासन हमारे इसमें जो महामंडलेश्वर उनके लिए होते हैं, जो भी महामंडलेश्वर सिंहासन पर बैठ करके पेशवाई में निकलेगा। छड़ी का क्या करते हैं? देखिए जो महामंडलेश्वर के साथ जो पोतवाल होते हैं, पोतवाल हम कहते हैं उसको, जो हमारे साधु जो साधुशाही भाषा है पोतवाल, उनकी रक्षा के लिए पोतवाल जो छड़ी लेकर के उनके साथ रहते हैं। होता है क्या मतलब होता है? ओदा है सिंहासन जिसपे बैठा जाता है, उस पर कौन बैठता है? हमारे महामंडलेश्वर सिंहासन पे बैठते हैं, जिसको हम ओदा कहते हैं। ये ओदे चांदी के होते हैं, जितने भी ओदे सब जो है चांदी के ओदे होते हैं। ये प्रकार है इनके, ये हमारा अशोक है, देखिए अशोक चिन्ह पर है, अशोक चिन्ह पे है देखिए।
ये हमारे गुरु महाराज का प्रतीक है ये। गुरु जी, इस भाले का महत्व क्या है और किस तरह से? भाला जो है ये पहले हमारे गुरु महाराज का प्रतीक है, और जब नागा सन्यासी जब युद्ध में जाते हैं तो भाले से युद्ध करते हैं। इसमें से ये क्या चीज है, क्या है ये, क्या है ये? सिंहासन है, इसमें जो है गुरु महाराज को निकाला जाता है, जो हमारे इष्ट है कार्तिक स्वामी को इसमें निकाला जाता है। गुरु महाराज जी का सिंहासन की सवारी है। ड्राइवर